फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मुहर्रम स्पेशल हलीम की रेसिपी। हर घर में डिफरेंट तरीके से हलीम बनाया जाता है, लेकिन मुहर्रम के मौके पर जो हलीम बनता है उसकी ओरिजिनल रेसिपी आज आपके साथ शेयर करूँगी। तो उसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर घर की एक छोटी वाली कटोरी ली थी, उससे मैंने मसूर की दाल, चने की दाल और तूर दाल पीली वाली, और यहाँ पर उड़द की धुली हुई दाल और आधा कटोरी सफ़ेद वाले चावल, बासमती कच्चा चावल लिया है। इन सारी चीज़ों को अच्छे से वॉश कर लेंगे। और साथ ही मैंने यहाँ पर हलीम लिया है 250 ग्राम के करीब। इसको मैंने क्या किया, भिगो दिया था 3 से 4 घंटे हो गए ताकि ये सॉफ़्ट हो जाए। तो ये क्या होता है, दला हुआ गेहूं होता है जो आपको किसी भी किराना शॉप पर मिल जाएगा। अब काम को आसान करने के लिए और टाइम को बचाने के लिए मैंने प्रेशर कुकर का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर मैं कुकर लूँगी और उसमें मैंने सारी धुली हुई दालें और हलीम को डाल दिया है। साथ ही यहाँ पर 1 चम्मच भरकर मैंने धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, नमक और हल्दी डाल दी है। अब हम क्या करेंगे, इन्हें मिक्स करेंगे और कुकर का लिड लगाएंगे, और 1 सीटी हाई फ्लेम पे आने के बाद लो टू मीडियम फ्लेम पर इसमें 4 से 5 सीटी आने देंगे ताकि हलीम और दालें अच्छे से कुक हो जाएं। अब चलते हैं गोश्त बनाने की तरफ। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो गोश्त लिया है, बीफ का है ये मीट जो है। अब यहाँ पर कुछ खड़े गरम मसाले लिए हैं, तेज पत्ता, जीरा, स्टार वाला फूल, आधा टुकड़ा दालचीनी, काली इलायची, हरी इलायची, 6 से 7 काली मिर्च और 2 लौंग। गरम तेल में इन खड़े मसालों को डालने के बाद मैंने यहाँ पर 3 से 4 मीडियम साइज़ के प्याज को रफली चॉप कर लिया था। देखिए स्लाइसेस में कट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको ऑयल में डाल देंगे। प्याज ना ज़्यादा आपने मोटा कट करना है और ना ही बहुत ज़्यादा बारीक। और इस तरीके से प्याज को हम क्या करेंगे, फ्राई करेंगे। और जब तक प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाती है तो मैं आपको जो मसाले इसमें डालने हैं तो वो बेसिक मसाले जाएंगे अभी हमारे। तो यहाँ पर 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर और नमक, और 1/2 टीस्पून के करीब हल्दी पाउडर कम रखा है यहाँ पर। प्याज ब्राउन होने के बाद यहाँ पर मैंने गोश्त को भी ऐड कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसके साथ प्याज को और गोश्त को 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए इस तरीके से आप गोश्त बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा लाजवाब बनकर तैयार होता है। अब जो मसाले बताए थे वो ऐड कर देंगे, सिंपल मसाले, कोई एक्स्ट्रा मसाला नहीं डाल रही हूँ मैं अभी यहाँ पर। साथ ही डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट भरकर, 1 चम्मच अदरक का पेस्ट और 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट है। इन मसालों के साथ इसे भी अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए अब हम इन्हें तब तक भूनेंगे जब तक के क्या है, इसमें से ऑयल रिलीज़ ना होने लगे। मुहर्रम के मौके पर जो हम स्पेशल हलीम बनाते हैं उसकी कंसिस्टेंसी जो होती है वो थोड़ी सी पतली होती है, क्योंकि उस हलीम को हम अपने फ्रेंड्स में, आस पड़ोस में सर्व करते हैं। अगर हम गाढ़ा रेशे वाला हलीम बनाएंगे तो उसे सर्व करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। और हम क्या करते हैं, इन हलीम को जो है ना वो हम गरीबों में भी बांटते हैं, तो इसलिए इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी पतली ही रखी जाती है। जैसे ही गोश्त में से ऑयल रिलीज़ होने लगेगा यहाँ पर आधा कप दही ऐड कर देंगे और दही के साथ भी गोश्त को अच्छे से भून लेंगे। तो आप अपने घर पर किस तरीके का हलीम बनाते हैं कमेंट बॉक्स में आपने मुझे ज़रूर बताना है, और आपका फेवरेट हलीम कौन सा है वो भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि नेक्स्ट रेसिपी में उस हलीम की भी आपके साथ शेयर कर सकूं। तो इस तरीके से देखिए दही के साथ भी मैंने गोश्त को अच्छे से भून लिया है। अब 1 गिलास भरकर यहाँ पर पानी डाल देंगे और इसका हम क्या करेंगे, लिड लगा लेंगे और 1 सीटी इसमें हाई फ्लेम पर और 2 सीटी लो फ्लेम पर लगाएंगे जब तक कि गोश्त जो है ना अच्छे से बिल्कुल गल ना जाए, ताकि आप उसको हाथ से तोड़े और वो टूट जाए। तो गोश्त जो है ना हमारा अच्छे से गल चुका है, ये देखिए बहुत ही बढ़िया सा गल चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने इसमें गोश्त में एक्स्ट्रा ऑयल डाला था, आप देख सकते हैं काफ़ी सारा ऑयल जो है इसमें एक्स्ट्रा है, तो वो हमने जानबूझ कर डाला था ताकि हम जो जब हलीम सर्व करते हैं तो उसके लिए अलग से रोगन ना बनाना पड़े। तो जो गोश्त के ऊपर जो ऑयल होता है उसको हम अलग सेपरेट अलग बाउल में निकाल लेंगे, और जब भी हम उसको सर्व करेंगे तो ऊपर से 1 चम्मच थोड़ा सा डाल देंगे। उससे बहुत अच्छी गार्निशिंग भी हो जाती है और टेस्ट भी अच्छा हो जाता है। अब हम अपने दूसरे वाले कुकर को भी खोल कर देख लेंगे। तो काफ़ी देर हो चुकी है पकते पकते, तो मैंने अब इसको खोल लिया है। इसे पकते पकते कम से कम 20 से 25 मिनट हो चुके हैं और हमारी दालें और हलीम जो है ना बहुत अच्छे से गल चुका है, ये देखिए। और ये नीचे बिल्कुल भी नहीं लगा क्योंकि मैंने इसमें पानी की क्वांटिटी काफ़ी अच्छी रखी थी। और जैसे जैसे हलीम को टाइम होता जाता है वो धीरे धीरे खुद ब खुद गाढ़ा होने लगता है। अब यहाँ पर मैंने एक वुडन का मैशर लिया है, इससे हम क्या करेंगे, दाल को और हलीम को अच्छे से मैश कर लेंगे। और हलीम को कुछ लोग जो है ना थोड़ा सा खड़ा रखते हैं और कुछ बिल्कुल ही उसमें दाने को पसंद नहीं करते, तो आपको जैसा पसंद हो आप उस तरीके से उस हिसाब से मैश कर लें। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने सारे हलीम को मैश करके एक बड़े बर्तन में निकाल लिया, और उसके बाद जो गोश्त हमने बनाया था वो भी हलीम के अंदर ऐड कर देंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और गैस के ऊपर इसे फिर से हम क्या करेंगे, 4 से 5 मिनट के लिए और पकाएंगे ताकि ये दोनों चीज़ आपस में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएं।
ये देखिए, तो हलीम हमारा लगभग लगभग पक चुका है। अब इसके अंदर लास्ट में कुछ स्पाइसेस मैं ऐड करूँगी, जिससे हलीम के अंदर एक बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो एक चम्मच भरकर मैंने अमचूर पाउडर और आधा चम्मच गरम मसाला, भुने हुए जीरे का पाउडर, काली मिर्ची का पाउडर और एक चम्मच चाट मसाला ऐड किया है। इससे ना बिल्कुल हमारा हलीम में ना, वो जो हम बाज़ार से हलीम लेकर आते हैं ना, वही वाला टेस्ट आएगा। इन मसालों को भी अच्छे से मिक्स कर देंगे और लास्ट में फ्रेश हरा धनिया और हरी मिर्ची डालकर इसको गार्निश करेंगे। ये मसाले मैंने लास्ट में इसलिए ऐड करें ताकि हलीम के अंदर जो मसालों का फ्लेवर है ना, वो बहुत ही ऊपर से आए और हलीम आपको बहुत ही चटपटा महसूस हो खाने में। और ये देखिए, लास्ट में जो हमने ऑयल सेपरेट करके रखा था, उससे हम क्या करेंगे, हलीम को गार्निश कर देंगे। तो लग रहा है ना, बहुत ही टेस्टी सा हलीम। ये हलीम की बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। हलीम को कई डिफरेंट तरीके से बनाया जाता है, तो जिस तरीके से मैंने सिंपल तरीके से बनाया, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ प्लीज़ एक थम्स अप कीजिएगा वीडियो को और फैमिली मेम्बर और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। अब इसको एक अलग बाउल में निकाल लीजिए और सर्व कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।